40 सीटें 40 बागी। ये आंकड़ा सियासी दलों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सत्ता के खेल में एक एक सीट मायने रखती है। गिनती जरा इधर उधर क्या हुई, सरकार बनने का सपना और 5 साल के लिए टल सकता है या 18 साल पुरानी सरकार एक झटके में बिखर सकती है। 40 बागी किसका खेल बिगाड़ेंगे, जिन्हें काबू करने के लिए दोनों दलों ने अली बाबा तो खूब आगे आए, लेकिन ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला जिसे पढ़कर बगावत शांत हो सके। इन 40 के 40 बागियों में कोई कहावर नेता है तो कोई पूर्व मंत्री, और कुछ मंत्री को टक्कर देने तक की तैयारी में है। आखिरी दिन दोनों दलों के 388 बागी उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए, जबकि 40 सीटों पर बागी डटे हुए हैं। भाजपा में बड़ी बगावत बुरहानपुर में दिखी, जहां प्रत्याशी अर्चना चिटनीस के सामने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन मैदान में हैं, और कांग्रेस में भोपाल उत्तर से उम्मीदवार आतिफ अकील के सामने उनके खुद के चाचा आमिर अकील डटे हुए हैं। बड़े बागियों में कांग्रेस से पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, सिवनी मालवा के पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी, गोटेगांव से शेखर चौधरी, भाजपा में सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला, बड़वारा से पूर्व मंत्री मोती कश्यप, मुरैना से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश रुस्तम सिंह शामिल हैं। मोती कश्यप और राकेश सिंह बसपा से लड़ रहे हैं। कुल 3,353 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि किन सीटों पर बागी नेता कांग्रेस बीजेपी का सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहले मुरैना की सुमावली सीट पर कांग्रेस ने जिन कुलदीप सिकरवार का टिकट घोषित करने के बाद काट दिया, वे बसपा से मैदान में हैं। कांग्रेस से अजब सिंह कुशवा और भाजपा से एनरल सिंह कंसाना हैं। मुरैना सीट पर पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह मैदान में डटे हैं। भाजपा के रघुराज कंसाना और कांग्रेस के दिनेश गुर्जर के लिए मुकाबला त्रिकोणीय है। दिमनी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कांग्रेस के बागी बलवीर दंडोतिया बसपा से मैदान में है। भिंड में बार बार दल बदल करने वाले बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवा फिर से मैदान में है। यहाँ कांग्रेस के राकेश चतुर्वेदी लंबे अरसे के बाद मैदान में है। लाहौर में भाजपा के पूर्व विधायक रसाल सिंह बसपा से लड़ रहे हैं। इस सीट से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मैदान में हैं। राजगढ़ जिले के चाचौड़ा में भाजपा की बागी ममता मीणा आप से मैदान में हैं। सागर से भाजपा के बागी मुकेश जैन ढाना आप से मैदान में हैं। टीकमगढ़ में पूर्व विधायक के श्रीवास्तव भाजपा के बागी हैं। सतना में कांग्रेस से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह बसपा से मैदान में हैं। सिवनी मालवा से कांग्रेस से पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी मैदान में हैं। भोपाल उत्तर में कांग्रेस के बागी आमिर अकील, नासिर इस्लाम और मोहम्मद सऊद हैं। रतलाम के आलोट में कांग्रेस के बागी पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी की समन्वय समिति ने बहुत रात दिन एक करके मेहनत करी, सर्वाधिक नाम हमारे वापस लिए गए। जो हमारे नाराज नेता थे उन्होंने अपने नाम वापस लिए। अभी भी अगर कुछ इक्का दुक्का मैदान में है तो उनसे चर्चा चल रही है। ऐसा नहीं है, समय बचा हुआ है। प्रचार प्रसार अगर वो नहीं करेंगे, सिंबल मिलने के बावजूद भी वो प्रत्याशी का साथ देंगे, तो पार्टी उनके बारे में विचार कर सकती है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी किसी ने पार्टी के खिलाफ काम किया तो अनुशासनहीनता के चलते अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी। बीजेपी में ये जो स्तर है बहुत ऊपर है, और बीजेपी के बागी बीजेपी का सरदर्द बने हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उनको रोकने में नाकाम हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बहुत स्पष्ट है। हम लोग विचारधारा के आधार पर काम करने वाले राजनीतिक व्यवस्थाएँ, राजनीतिक दल हैं, और आप जब विचार के आधार पर काम करते हो तो फिर आपकी प्राथमिकता स्पष्ट होती है। आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कमल है, तो कमल का चुनाव चिन्ह प्राथमिकता है। ये द्वितीय है कि उसके साथ प्रतिनिधि के तौर पर कौन है। नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, इस भाव के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच है। तो इसलिए एक दो जगह कहीं हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो कि लोग भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ ना हो, लेकिन मूलतः सारी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। इसीलिए आज मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बन रही है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ हार रहे हैं, ऐसी जन चर्चा है। और कमलनाथ जी से पूछो तो वो भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, उनको पता था हार संभव है। तो ये कैसे संभव है, जब पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर लड़ रही तब संभव है। रूठे हुए ये नेता रुलाएंगे या फिर अपने फैसले पर खुद ही रोएंगे, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। लेकिन जिस तरह से बागियों की वजह से कांग्रेस और बीजेपी हैरान परेशान नजर आ रही है, उसे देखते हुए ये कहना तो आसान है कि बागी इस बार अपना असर तो दिखाएंगे।